सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अन्नदाता किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनके आँखों पर चश्मा लग गया। तो आज हम आपको अपनी नंगी आँखों से इसका पूरा लाइव प्रसारण दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज बाजार से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर यह गणेशपुर बिसौरा माइनर है। हमें जानकारी मिली कि यह गणेशपुर बिसौरा माइनर की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई और ये सूखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माइनर है। पहले हम आपको इसको नज़दीक से दिखाते हैं कि इस माइनर की दशा क्या है। यह माइनर पूरी तरह से सूखी है और इस माइनर में पानी नहीं आ रहा। अभी हमको कुछ लोगों ने बताया कि सिंचाई के अभाव में फसलें सूख रही हैं। ये माइनर है, हम आपको इसमें घुस के दिखाते हैं कि ये माइनर पूरी तरह से सूखी है और कई वर्षों से यहाँ पे दिखाइए कि ये माइनर पूरी तरह से पट चुकी है। अब जब ये पट चुकी है और आगे भी पट गई होगी, अब इसमें पानी कहाँ से आएगा। अब हम कुछ लोगों से वार्ता करके बताते हैं कि क्या समस्या है और किसानों को यहाँ पर क्या समस्या हो रही है। जैसा कि आप इधर भी दिखाइए, ये गणेशपुर बिसौरा माइनर है, जिला अयोध्या है और ये गोसाईगंज विधानसभा है। ऐसा देखिए, ये माइनर उधर दिखाइए, ज़रा जूम करके दिखाइए, ये पूरी माइनर सूखी हुई है। हम यहाँ के एक दादा हैं, उनसे वार्ता करते हैं। दादा बताइए, क्या नाम आपका? वरौनी साहब। तो ये माइनर सूखी है, इससे किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत हो रहा है साहब, और झुरा जा रहा है खेती। हाँ साहब, झुराना नहर झुराई गवा, पानी नहीं आ रहा है। तो क्या इसमें किसानों को पानी की आवश्यकता है? पानी जरूरी है, वहाँ पानी नहीं रहे कैसे खाएं जिएंगे। हाँ साहब, तो जैसे ये बताइए कि जो पानी नहीं आ रहा है इसके पीछे समस्या क्या है? ये जो हमें लग रहा है कि इसकी पानी की सफाई नहीं हो रही है। हाँ, सफाई इस माइनर नहीं की सफाई नहीं हुई, इसलिए ये पानी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, यही बात है। हाँ सही बात साहब। हाँ, तो जैसा कि बता रहे हैं कि ये माइनर की सफाई ना होने से, ये माइनर कई सालों से सफाई नहीं हुई और यहाँ पर पानी चढ़ नहीं पा रहा है, जिससे ये माइनर किसानों की जो सिंचाई है, सिंचाई के अभाव में फसलें सूख रही हैं। हम एक दो लोगों से और वार्ता करते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, बताते हैं अभी। भाई साहब, क्या नाम आपका? कमलेश। कमलेश, तो जैसे ये माइनर जो है, हमें जानकारी मिली कि पानी नहीं आ पा रहा है, तो क्या इसका क्या कारण है, जैसा आपको जानते हैं? अरे कारण का अब आगे न वही वर्ष पानी नहीं है, बहुत हरी बंद है, वही आगे से नहीं पानी आ रही है बहुत। तो ये समस्या यहाँ जो कितने सालों से है? अरे कौ साल हुई हुआ जी, पानी आवत है तो बस खाली बस वैसे आयो करीब बंद हो जाए। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर नाली जो माइनर है सफाई नहीं हो रहा है, इसलिए पानी नहीं आ पा रहा है। पानी, चलिए ठीक है। तो जैसा कि यहाँ इस माइनर की सफाई नहीं हो पा रही है और ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, जो यहाँ के नहर विभाग के कर्मचारी है, यहाँ पर नहर विभाग के कर्मचारी की नियुक्त की जाती है, जीआई होते हैं और जिला स्तर पर अधिशासी अभियंता होते हैं जिसे एक्सचेंज कहते हैं, किसी को यहाँ पर दिखाई दे दे रहा है और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। सरकार कहती है कि किसानों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर, उनके आंखों के ऊपर चश्मा लग गया है, इसलिए हम आपको नंगी आंखों से दिखा रहे हैं। हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, हम जानकारी करके बताते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पर। भैया जरा बताइए इस बारे में, जरा माइनर के बारे में एक बार बता दीजिए, खड़ा हो जाइए। जैसे ये माइनर के क्या बारे में आपका क्या कहना, ये माइनर की सफाई जो है कितनी है? जैसे हमारे समय पर पानी नहीं मिलता हमें, अभी देखिए कभी कम से जितनी यहाँ धान की फसल हुई है, इस धान के फसल में कोई पानी का हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। लोग क्या करते जाते हैं, सफाई घास फूस अपना निकाल दिए, नहीं वो भी नहीं निकला, पानी कहाँ से आएगा? यहाँ हमारे लोगों के पास तो पानी पहुँचता ही नहीं है, जबकि बड़ी नहर बराबर चल रही है, लेकिन यहाँ पानी बराबर नहीं पहुँच रहा है। और मतलब इस पानी का हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, एक भी पानी हम लोगों को फायदा नहीं मिला। जो बरसात से हम लोग काम कर पाए वही काम कर पाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग पूरी तरह से इसी माइनर पर सिंचाई के लिए आश्रित हैं? बिल्कुल आश्रित हैं, लेकिन सर क्या करें, ना पानी आने कारण से हम लोग सिंचाई मतलब अपना नलकूप विभाग से करते हैं जी। मजबूरी है, करना है जी। फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं जी। भाई हर आदमी के पास इतना अभाव है कि मतलब पैसे का अभाव है, नहीं कर पा रहा है, नहीं सिंचाई कर पाया, चलो कभी बरसात होगी, सब भगवान के भरोसे है जी। तो हो गया तो हो तो गया। जैसे यहाँ का पानी आता है तो इसका मतलब नहर विभाग आप लोगों से कुछ इसका सालिना जो लेता भी होगा, पैसा भी लेता होगा, नहीं लेता? नहीं सर, वैसे तो सिंचाई माफ है, लेकिन आप लोग इसका फायदा नहीं पा रहे हैं, जबकि वहाँ तक पानी आ रहा है। हाँ, पानी और नहर विभाग जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि से लेकर और अन्नदाता ही किस जो अनाज को पैदा करता है और उसी से लोगों का
जीविका चलती है जी जी, उसके बावजूद सरकार से लेकर जनप्रतिनिधि तक कोई किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई समस्या कोई देखने सुनने वाला नहीं, कभी मतलब यहाँ आया हो कि मतलब हाँ नहर में इतनी घास है फूस हो गया या इसमें मिट्टी हो गई है, कितनी नहर की वो ये जो ये क्रॉसिंग गुनी हुई है, जितना यहाँ पुलिया है किसी पुलिया के नीचे आप देख लीजिए, अगर नहर की सफाई भी हो गई तो उसके नीचे की मिट्टी नहीं हटनी है, वो मिट्टी नीचे ही रहेगी, पानी आगे बढ़ेगा कहाँ, आता ही नहीं तो पानी जाएगा कहाँ से। इसलिए हम लोगों को कष्ट तो पानी से है ही है, मजबूरी है हम लोगों को, चलो भाई बोरिंग है बोरिंग सिंचाई करते हैं जी जी। सही है बोरिंग सिंचाई है, लेकिन बोरिंग इसकी अपेक्षा काफ़ी महंगा पड़ता होगा, और जब आप अपनी फसल में ज़्यादा लागत को जो लगा देंगे फिर आपका लाभ। डीजल की महंगाई आप खुद देख रहे हैं सर, डीजल की महंगाई इतनी है कि मतलब जो है आदमी को डीजल की सींचने को मान लो 200 रुपये घंटे अगर सिंचाई देगा तो कितना उसको सिंचाई करेगा भाई, 5 घंटे 4 घंटे से नीचे किसी खेत में नहीं लगता है। तो आप जो इसी गांव के निवासी हैं? जी हम इसी गणेशपुर के निवासी हैं। एक अंदाजा से बात करते हैं, आप थोड़ा जानकार पढ़े लिखे हैं, दादा बताइए जरा आप इस बारे में, आप ही जो इसी गांव के हैं? हाँ मैं चिरकटा के रहने वाला हूँ। चिरकटा जी 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 जी, तो आपका क्या नाम दादा? राजित राम वर्मा। तो जरा बताइए कि इस माइनर की सफाई लगभग जो है कितने दिन से नहीं हो रही? अरे साहब इसकी सफाई कम से कम मरिया होगा 5-6 साल नहीं हुई है। 5-6 साल से इस माइनर की सफाई नहीं हुई, जिला अयोध्या है और एक गणेशपुर माइनर है। हाँ, गणेशपुर माइनर। और इस माइनर की सफाई 5-6 वर्षों से नहीं हुई, मतलब एक बार विधानसभा सत्र बीत चुका, हाँ, उसके बाद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप देख लें, आप फोटो ले लें। हम फोटो लिया, पूरी तरह से भट चुका है यह माइनर, और इसकी सफाई ना होने से पानी ऊपर आगे वहाँ पे चढ़ नहीं पा रहा होगा। तो पानी इधर जब भटा है कहाँ पानी इधर आएगा? वही अकारीपुर तक आता पानी, वही सब सींचने वाले सींच मलाप लेते हैं, हमारे यहाँ तो सब बेकार पड़ी है जी जी। इसका मतलब अकारीपुर से यहाँ तक पानी नहीं आ रहा? नहीं आता है, नहीं आता। तो आप लोग जो सिंचाई करते होंगे तब तो आपको बड़ा महंगा पड़ता होगा? बहुत महंगा पड़ता साहब। अब डीजल कितना भाव है? 200 रुपये घंटा पड़ता है, बताओ जी। मैं तो आज 4-5 दिन से वादा कर रहा हूँ, आज भरूँ कल भरूँ, वो तो थोड़ा मोड़ा बारिश कभी कभी हो जाता, क्या करें, हिम्मत नहीं पड़ती भरने की। जैसे आप, जैसे आप लोग अगर पूरा उसकी लागत लगा देंगे और इस महंगाई में लागत से ज्यादा अगर आपको उतना जो फायदा नहीं होगा, क्या हाँ कुछ नहीं मिलता है जी। अगर नहर पानी रहता तो हम सबको फायदा होता है जी जी। और नहीं आता तो क्या करें, मजबूरी है, कभी कभी सींच देते हो जाएगा, हो जाएगा नहीं सूख जाएगा, इसे क्या करेंगे। हाँ मतलब यहाँ पे लापरवाही है और अधिकारी भी एकदम सरकार की लापरवाही है। हाँ एकदम, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है कि पानी आता है कि नहीं आता। कम से कम जो यहाँ माइनर वाले हैं उनको आना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कहाँ तक पानी आया कहाँ तक नहीं आया। कोई आने वाला है देखने वाला है यहाँ? कोई नहीं आते हैं, यही बात समझता है। जबकि यहाँ पर स्थानीय डाक बंगले में इसका ऑफिस है सिंचाई विभाग का, और वहाँ जेई से लेके अधिकारी बैठते हैं, केवल उनका काम रहता है केवल वहाँ बैठे रहे और उनको यहाँ से मतलब नहीं। भाई साहब आप क्या जो इसी गाँव के हैं? चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं, एक दो लोगों से वार्ता करते हैं। आप भी बताइए, आप बताइए आप जो इसी गाँव के हैं? चलिए ठीक है, तो जरा आप इस माइनर के बारे में बताइए, क्योंकि आप अगर अपनी राय देंगे तो आप लोगों की आवाज पहुंचेगी ऊपर तक और इस पर कार्रवाई होगा, जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक संज्ञान में जाएगा। सर जब तक यहाँ मतलब लेबर लोग साफ करते थे तब तक यहाँ पानी मतलब पूरा पहुँचता था, जिस दिन से जेसीबी मशीन से सफाई होना शुरू हुआ तभी से नहर की दुर्दशा शुरू हो गई। सही है, तो जैसे सफाई हुए यहाँ पे कितना साल हो गया? सफाई तो 1 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले हुआ था? नहीं, अभी बोल रहे हैं दादा कि नहीं हुआ है। नहीं 1 साल पहले हुआ था। चलिए ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर अगर 1 साल पहले सफाई हुई होती तो इसकी इतनी दुर्दशा नहीं होती। जैसा यहाँ पे आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देख लीजिए आप, जरा पास से दिखाइए कि बस देखिए यहाँ पे थोड़ा हुआ है खुदाई, उसके बाद आप आगे देखिए वहाँ पर पूरी तरह से जाम है। जरा आप पास से आ जाइए, अगर आप आइए तो आ जाइए। अब हम इसको आज अंदर घुस के दिखाते हैं, और ज़रा आ जाइए आप, आराम से आइएगा। ज़रा ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आगे चलेंगे आप तो वहाँ पर पूरी तरह से, जूम करके दिखाइए, ये माइनर पूरी तरह से भर चुकी है, यही दशा वहाँ आगे होगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सफाई करीब 5 वर्षों से नहीं हुई, और सफाई ना होने से पानी आगे नहीं आ पाता है, जब पानी आगे नहीं आ पाता है तो यहाँ के किसान पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि नहर की सिंचाई सस्ते में हो जाती थी इसलिए लोग इसी पर आश्रित थे। अब टिब्बुल में डीजल इतना महंग हो गया है कि लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। हम आपको आगे चलते हैं और आप उनको दिखा रहे हैं, थोड़ा और दिखाते हैं। जैसा कि ये गणेशपुर बिसौरा माइनर है, आराम से आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हम दिखा रहे हैं ये गणेशपुर बिसौरा की माइनर है, और यहाँ के किसानों ने अपने दर्द को बयां किया, भैया सिंचाई के अभाव में फसलें सूख रही हैं, जबकि अन्नदाता ही धान को उपज को पैदा करता है और उसी से लोगों का जीवन चलता है, लेकिन सरकार अन्नदाता की तरफ ही कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो दोस्तों कैमरामैन
देव कुमार के साथ मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।